क्रिएटिव मोनोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं 12 वोल्ट 5 एम्पियर का बैटरी चार्जर, जो स्पेशली बाइक बैटरी के लिए होगा। यहाँ पर डिस्प्ले के लिए ग्रुपिंग किया हुआ है, जहाँ पर वोल्ट और एम्पियर मीटर लगेगा। इस तरफ एक तो फ्यूज लगेगा और इस तरफ जो ऑन ऑफ स्विच है वो लगेगा। पीछे की तरफ दो होल किया हुआ है, दोनों में आउटपुट का तार निकलेगा और यहाँ पर एसी इनपुट होगा 220 वोल्ट। दोस्तों, ये जो चार्जर है इससे कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर सकते हैं और इसे आप पावर सप्लाई के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैबिनेट है ये पुराना पावर सप्लाई का है, जो 1 एम्पियर का था। आप दूसरा भी कैबिनेट ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 12012 5 एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर लिए है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ऑन ऑफ करने के लिए जो स्टेबलाइजर में यूज होता है, स्टेप अप डाउन वाला स्विच, ये 5 एम्पियर का है, इसीलिए हमने इसका यूज किया है। उसके बाद हमने एक तो डिजिटल वोल्ट और एम्पियर मीटर जो डीसी वाला आता है उसका यूज इसमें करेंगे, तो उसको ले लिए है। ये वोल्ट और एम्पियर दोनों को डिस्प्ले में दिखाएगा। उसके बाद हमने एक तो 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हमने 4 ठो डायोड ले लिए हैं, जो 6 एम्पियर का डायोड है और इसका 5 ठो ज़रूरत है। और एक ठो हम फ्यूज सॉकेट ले लिए हैं, जो आउटपुट में लगेगा। उसके बाद हम 2 ठो चिमटा लिए हैं, जो बैटरी को कनेक्ट करने के काम आएगा। चार्जर की वायरिंग करने के लिए 0.75 स्क्वायर एमएम का तार चाहिए। एक ठो मैन कॉर्ड ले लिए हैं और कुछ नट बोल्ट ले लिए हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर को बिठा के मार्किंग कर लिए हैं और ट्रांसफार्मर के हिसाब से 4 ठो होल कर लिए हैं ड्रिल की मदद से। अब इसको यहाँ पर बिठाएंगे और चारों नट बोल्ट चारों तरफ लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। चारों टाइट हो जाने के बाद हमने जो स्टेप अप डाउन वाला स्विच लिए थे, जो स्टेबलाइजर में यूज होता है, ऑन ऑफ करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। तो इसको इस टाइप से लगा के नट को अच्छे से कस देंगे तो ये टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम जो फ्यूज सॉकेट लिए हैं उसको लगाएंगे। इसका यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि आउटपुट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाएगा, कोई भी कंपोनेंट्स हमारा ख़राब नहीं होगा। अब हम 4 टू 6 एम्पियर का डायोड ले लेंगे और इसको ब्रिज में कन्वर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको डायोड को रख के मोड़ लेना है और सोल्डरिंग कर देना है। अगर आपको ब्रिज बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और ब्रिज को बना सकते हैं। अब हम ब्रिज में कैपेसिटर को लगाएंगे। तो कैपेसिटर को लगाने के लिए स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा है। हमारा जो ब्रिज का आउटपुट है उसका पॉजिटिव आउटपुट को कैपेसिटर के पॉजिटिव आउटपुट में कनेक्ट करना है और जो नेगेटिव आउटपुट है ब्रिज का उसको कैपेसिटर के नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने के बाद आपका ब्रिज रेक्टिफायर वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको कैबिनेट में चिपकाएंगे। तो कैबिनेट में चिपकाने से पहले आपको देख लेना है कि कोई भी लेग जो है डायोड का वो बॉडी में या ट्रांसफार्मर में टच नहीं होना चाहिए। ये देखिए टच अभी नहीं हो रहा है, तो अभी हम इसको ग्लू गन से इस जगह पे चिपकाएंगे। तो चलिए इसको चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद हम ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट देंगे, तो उसके लिए हमें एक ठो मैन कॉर्ड ले लेना है और उसको होल से निकाल लेना है। निकालने के बाद मैन कॉर्ड का एक ठो तार को हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को जो इनपुट है एसी इनपुट उसमें अच्छे से सोल्डरिंग करेंगे और एक ठो फाइबर स्लीव का यूज करेंगे ताकि हमारा बॉडी में जॉइंट का कोई भी टच ना हो और शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद हमारा जो और एक ठो एसी इनपुट वाला तार है उसको हम स्विच में कनेक्ट करेंगे और जो ट्रांसफार्मर का इनपुट है एसी इनपुट उसको भी स्विच में कनेक्ट करेंगे। आप इसके जगह दूसरा स्विच भी यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ के लिए। इनपुट का कनेक्शन हो चुका है। ये तीनों तार जो है वो ट्रांसफार्मर से एसी आउटपुट देता है, जो 12 वोल्ट का है। ये दोनों व्हाइट वाला वायर जो है ये 12 वोल्ट का है और ग्रीन कलर का 0 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट और 0 वोल्ट को हम ब्रिज के जो इनपुट है उसमें अच्छे से सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग करने के बाद हम एक 6 एम्पियर का डायोड ले लेंगे और इसका हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि आपका पावर सप्लाई अगर ऑफ है और कोई बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है तो बैटरी का जो पावर है वो पावर सप्लाई के अंदर तक ना आए।
तो इसका कनेक्शन जो है, इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है उसको हम फ्यूज के आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम एक ठो जम्फर वायर ले लेंगे और जम्फर वायर लेके जो ब्रिज से मेरा डीसी आउटपुट हो रहा है पॉजिटिव, उसको फ्यूज के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। सोल्डरिंग हो जाने के बाद हमारा जो डिजिटल वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का जो मोटा वाला वायर का कनेक्टर है उसको ले लेंगे और उसका ब्लैक कलर का वायर को जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव आउटपुट है उसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम दो ठो रेड और ब्लैक कलर का वायर ले लेंगे और इसको इस होल से अंदर की तरफ निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो मेरा रेड कलर का वायर है वो पॉजिटिव आउटपुट होगा, तो इसको हम जो डायोड है मेरा फ्यूज के बाद जो डायोड लगा हुआ है उसमें सोल्डरिंग करेंगे, क्योंकि ब्रिज से डायोड में आ रहा है आउटपुट और उसके बाद जो है डायोड से निकल के मेरा तार में आउटपुट जाएगा। उसके बाद जो इसका नेगेटिव वाला वायर है उसको हम जो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर का मोटा वाला रेड कलर का वायर है उसमें सोल्डरिंग करेंगे और स्लिप का यूज करेंगे। उसके बाद हम और एक ठो कनेक्टर को ले लेंगे और इसका जो ब्लैक कलर का वायर है वो नेगेटिव इनपुट है डिस्प्ले का, तो उसको हम ब्रिज के नेगेटिव आउटपुट जो है उसमें सोल्डरिंग करेंगे। और बाकी जो दो वायर है रेड कलर और येलो कलर का उसको एक साथ मोड़ के पॉजिटिव वाला जो ब्रिज का पॉजिटिव आउटपुट है डीसी आउटपुट उसमें सोल्डरिंग करेंगे। अभी मेरा पूरा चार्जर का वायरिंग हो चुका है, अभी डिस्प्ले लगाने की बारी है, तो डिस्प्ले को कनेक्ट कर देंगे और बॉडी के साथ अच्छे से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद हमें एक बार देख लेना है सारे वायर को और उसके बाद ढक्कन को हम लगा देंगे। ढक्कन को लगाने के बाद स्क्रू से अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसको टेस्टिंग करते हैं। ऑन कर दिए हैं, ऑन करने के बाद इसमें 15.2 वोल्ट दिखा रहा है। चलिए मल्टीमीटर में देख लेते हैं। मल्टीमीटर में भी 15.45 वोल्ट दिखा रहा था। अभी हम बैटरी को चार्ज करेंगे, तो बैटरी चार्ज करने के लिए हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट करना होगा। देखिए वोल्टेज थोड़ा डाउन हुआ है और इसमें एम्पियर दिखा रहा है कि कितना एम्पियर ये खींच रहा है और ये धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज होगा आपका कम होते जाएगा एम्पियर जो दिख रहा है।